वेरी गुड मॉर्निंग जी। उम्मीद करते हैं आप सब फर्स्ट क्लास होंगे, बिंदास होंगे। तो हम आ चुके हैं अपने दिस क्लब हाउस सेक्शन। तो मस्त, अभी कोई आया नहीं, अभी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। तो अपना योगा शोगा होगा, वार्म अप करने का समय ही नहीं मिल रहा है क्योंकि गेस्ट आए हुए हैं। तो मैंने कहा कि फटाफट बस योगा ही वाइंड अप हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो बढ़िया सा अपना योगा करते हैं। और एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की, मतलब जब आप योगा, जिम, वर्कआउट, जुम्बा, डांस, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी या स्विमिंग करते हो, आपको इतना ज़्यादा मोटिवेशन होता है और इतना अच्छा बॉडी को फील होता है कि आपने कुछ अपने लिए अच्छा किया। मतलब ये मेरा और मेरे पतिदेव का मानना है, हम दोनों यही कहते हैं कि यार जिस दिन हम लोग वर्कआउट, वो भी जिम जाते हैं, जिस दिन वो नहीं गए या हम नहीं गए, उस दिन यही लगता है कि आज कुछ अच्छा, आज कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। तो वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेंटली और फिज़िकली, दोनों हेल्थ को बैलेंस करके रखता है। जब आप वर्कआउट जाते हैं, कहीं ना कहीं इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो जो भी आपकी बॉडी के टॉक्सिक और जो भी मतलब अंदर की गंदगी होती है ना, वो कहीं ना कहीं इनहेल और एक्सहेल के थ्रू हम बाहर थ्रू आउट करते हैं। तो इसीलिए वर्कआउट करते रहना चाहिए। और आपको समय नहीं है तो ज़्यादा नहीं, घर पे वर्कआउट करिए। यूट्यूब पे इतने बढ़िया बढ़िया कंटेंट पड़े हुए हैं। एक सात्विक योगा करके है, 21 डेज चैलेंज करके, जिसमें वो सिर्फ 25 मिनट का योगा सिखाती है। अगर आपको वहाँ पे समय नहीं मिल रहा है तो आप वो जा करके चेकआउट करिए। मतलब ऑफिस वाले जो हैं उनको समय नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, बट 25 मिनट आपको मैनेज करना पड़ेगा। किचन में अपना नाश्ता रेडी करना था, तो नाश्ते में हमने बनाया है बहुत ही बढ़िया सी इडली, एकदम मस्त गर्मा गर्म है। और ये रागी इडली है जिसमें मैंने थोड़ा सा रवा ऐड किया है और गुड अमाउंट ऑफ रागी यूज़ करी है। रागी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, जिनके हड्डियों में पेन वगैरह रहता है वो रागी को मतलब रोज़ कंज्यूम करना चाहिए। और छोटे बच्चों के लिए रागी इज़ वेरी गुड एंड गुड फॉर डाइजेशन ऑल्सो। छोटे बच्चे जो है बहुत अच्छे से रागी डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो इसलिए टिफ़िन में रागी इडली ज़रूर दीजिए, चेंज करते रहिए। तो चलिए इंजॉय करते हैं, इंजॉय नहीं, इनको नाश्ता देते हैं और शिवाय का टिफ़िन पैक करते हैं। अब हम जा रहे हैं शावर लेने, अपना नाश्ता रेडी हो चुका है। सो हमारे दिन के सारे इम्पॉर्टेंट काम वाइंड अप हो गए हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट, अपने लिए योगा और बच्चे को स्कूल छोड़ना, खाना, तो यस मैंने खाना भी बना लिया है। तो आई एम फीलिंग सो रिलैक्स। समय हो रहा है कुछ 11:30। तो अभी मेरे पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे कुछ बहुत ही उपजाऊ ही करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। बट एक चीज़ मुझे शेयर करनी थी। मैं अभी भगवद गीता सुन रही थी, तो भगवद गीता के अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इंसान के लिए सबसे ज़्यादा सुख जो दे सकता है दैट इज़ मेडिटेशन। और अगर आपको भगवान को पाना है, परमात्मा को पाना है, परमानंद को अगर हासिल करना है, तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। और मेडिटेशन ही एक गेटवे है भगवान तक पहुँचने के लिए। तो मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा समय निकालो अपने लिए। सो, भगवद गीता का जो 6वां अध्याय है, उसके कुछ आखिरी श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात कहते हैं। कह रहे हैं कि जो मनुष्य योग,
या मेडिटेशन शुरू करता है, भगवान को पाने के लिए एक छोटी सी जर्नी स्टार्ट करता है, और जाते जाते जब उसका ध्यान नहीं लग रहा होता या भटक जाता है, भटक रहा होता है और कहीं ना कहीं उसका जीवन भी समाप्त हो रहा होता है, तो क्या वो कर्म, वो कार्य वेस्ट हो जाता है? मतलब अगर आपके अंदर वो चीज़ रह गई है जो आप इस जन्म में नहीं पूरा कर पा रहे, तो नेक्स्ट जन्म में भगवान श्री कृष्ण आपको ऑटोमेटिक अच्छी जगह भेजेंगे ताकि वो अधूरी चीज़ आप पूरी कर पाओ और कहीं ना कहीं भगवान को पा सको। सो फिलहाल मेरी चल रही है मस्त कैमोमाइल टी, इसके साथ साथ भगवत गीता भी चल रही थी, हेडफोन लगा के भगवत गीता सुन रही थी। और भगवत गीता यूट्यूब पे उसके सारे अध्याय दिए हुए हैं, वैसे 1 से लेकर 18 तक सारे अध्याय भी दिए हुए हैं और अलग अलग भी दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो वैसे भी सुन सकते हो, और जब मौका मिले तो भगवत गीता सुनिए, आपके काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। और मैं जब भी परेशान होती हूँ, मुझे किसी चीज़ का आंसर चाहिए होता है, तो मैं सिर्फ भगवत गीता लगा लेती हूँ, मेरे हर प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं उसमें छुपा होता है। तो चलिए एंजॉय करते हैं अपनी चाय, आज मिल्क टी पी नहीं तो मैंने कहा बढ़िया सी कैमोमाइल टी पीते हैं, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। सो हम लोग डैडी शेडी को होकर के निकल लिए थे दिल्ली के लिए, और दीदी की आज फ्लाइट है, दीदी जा रही है अपना बैंगलोर, बीच में उनका थोड़ा सा डिले हो गया तो सरकारी काम है, थोड़े से हो ही जाते हैं, तो आज फाइनल उनका आखिरी दिन है यहाँ दिल्ली में, तो अभी हम लोग जा रहे हैं दीदी को सी ऑफ करने, बाय शाय करने। शिवाय आप पीयू दीदी को मिस करोगे? और 2 दिन थी पीयू दीदी, मैं कैप्चर नहीं कर पाई, थोड़ा सा बिजी थी, बट इन लोगों ने इतनी मस्ती करी है, दोनों भाई बहन खूब इंजॉय किया एक दूसरे की कंपनी, तो अभी हम लोग भी बस वही है कि चलते हैं और देखते हैं क्या प्लान है। ये रही हमारी पीयू दीदी। तो पीयू दीदी फाइनली आप जा रहे हो, कैसा लग रहा है? आप पीयू दीदी के सारे दांत गिन सकते हैं, पीयू दीदी इतनी खुश है कि फाइनली पापा के पास जा रही है ना पीयू, और वहाँ पे नया स्कूल होगा, नए फ्रेंड्स होंगे, मैनेज हो जाएगा? गुड। ये रही हमारी दीदी। हाँ दीदी कैसा लग रहा है फिर आपको? बहुत खराब शिफ्ट हो जाएंगी बैंगलोर। तो दीदी आप दिल्ली के पोल्यूशन को मिस करेंगी? पोल्यूशन के साथ और भी बहुत अच्छी चीजें भी थी, तो हम सब लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट दीदी को ड्रॉप करने। और ये देखिए अभी इनको कतई भी आइडिया नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, दीदी जब चली जाएंगे तब इनको इनके रिएक्शन बुलेट दे रहे हैं, प्यार चल रहा है दोनों भाई बहन का। अरे बाप रे, अच्छे दीदी जा लिए, अच्छे प्याल चल रहा है। मुझे कोई नहीं चाहिए मम्मा, मेरा तो ब्रदर है। रोए बट फिर शांत हो गए, किसी तरह से इनको चुप करा लिया गया, खाने में बिजी कर दिया गया है, अभी मस्त खाने में लगे हुए हैं, इनको जिद करना था कि इनको प्लेन से जाना है। तो हमें लगी थी काफी तेज भूख, तो हमने कहा दिल्ली आए हैं तो अब
अपना चलते हैं लोधी कॉलोनी। लोधी कॉलोनी में बढ़िया बढ़िया इडली के छोटी छोटी शॉप्स हैं जो कि ऑथेंटिक साउथ इंडियन देते हैं। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चिदंबरम भवन, चिदंबरम पता नहीं कुछ समथिंग, चिदंबरम, चिदंबरम कॉफी हाउस ऐसे ही है शायद, कुछ ऐसे करके है। तो बहुत छोटा सा है और छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का है, बट टेस्ट बहुत अच्छा है उसका, तो वही खाएंगे। और टाइम भी हो गया है हमारे मस्त लंच का, और इनको बहुत नींद आ रही है। इतनी देर से हम इनको जगा के रखे हुए हैं, हर थोड़ी देर पर हमारे छोटे जनाब सो जा रहे थे और अभी नहीं सो रहा, अभी नहीं सो रहा। सो हम आ गए अपने रेस्टोरेंट के बाहर, और जब हम लोग लास्ट टाइम मॉर्निंग में आए थे तो हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था, मतलब हमारा तुरंत नंबर आ गया था। बट अभी क्या है, 15 से 20 मिनट की वेटिंग है। और मैंने आपको बताया था ना, देखने में बहुत छोटी सी शॉप है, बट यकीन मानिए टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक। और जिसने भी साउथ में डोसा खाया है ना, वो इस जगह से निराश होकर नहीं जा सकता है, आई एम श्योर उसको ये जगह ज़रूर पसंद आएगी। और यहाँ पे ये जो मेरे पीछे पीछे देख रहे हैं, ये वो आइटम भी यहाँ पे मिल रहे हैं जो कि साउथ में ही मिलते हैं, साउथ पापड़ और कोकोनट ऑयल और सांभर मसाला, रसम मसाला, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिल रही हैं। तो फिलहाल हमारा वेटिंग चल रहा है, 10 मिनट बाद हमारा भी नंबर आ ही जाएगा। हमारा कौन सा पराठा, मालाबार पराठा, और इसके साथ ये कोरमा, ये तो सांभर है, कोरमा सर, ये सांभर है, सॉरी कोरमा आ रहा है। तो पहले हम भी टेस्ट करके देख लेते हैं कैसा है। पराठा तो अच्छा लग रहा है, मस्त मैदे का, खूब सारी लेयर। तीन तरह के दही बड़ा, और ये एक बड़ा है, और ये खा चुके हैं जनाब।